नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, जहां काफ़ी बार अगर आप लोग दिल्ली से आते थे और अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी थी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये ज़रूर रहता था कि हम लोग दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ तो चले जाएंगे लेकिन जब वापस आएंगे तो सीएनजी फिल कहां से करवाएंगे। तो हम आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल का पहला ऐसा सीएनजी गैस स्टेशन है जहां पर जो है ऑनलाइन जो गैस स्टेशन अब बन चुका है। ऑनलाइन गैस स्टेशन का क्या कुछ मतलब है, क्या कुछ इसके फ़ायदे जो है रहने वाले हैं, उसके बारे में हालांकि जो है आके मैनेजर हैं हम लोग उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का गैस स्टेशन जो कि करनाल के कोहन गाँव में स्थित है, शनि मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट अर्बन विलेज के बिल्कुल साथ जो है ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का गैस स्टेशन जो है वो स्थित है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक जो है जानकारी ज़रूर पहुंच सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गाड़ी में इस समय जो है सीएनजी फिल की जा रही है और गाड़ियों की अगर हम बात करें लाइंस यहाँ पर ज़रूर लगी हुई हैं और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर जो है वो अपने आप में मेंटेन किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्द जो है कि ऑनलाइन स्टोर जो ऑनलाइन गैस स्टेशन जो है वो बनने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर जो मैनेजर है वो मौजूद है, एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, ऑनलाइन गैस स्टेशन इसे कहा जाता है, क्या कुछ इसका मतलब है, क्या कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? सर ऑनलाइन जो प्रेशर है, जो प्रेशर हम 200 का प्रेशर है वो कंटिन्यू ही मेंटेन रहता है, मतलब वो प्रेशर कभी डाउन नहीं होता। जैसे हमारा पहले LCV से गाड़ी आती थी, कभी कभी प्रेशर हमारा डाउन हो जाता था, अभी जब से हमारा पंप ये ऑनलाइन हो गया है प्रेशर 200 का ही रहता है, कभी भी हमारा मतलब प्रेशर से कभी डाउन नहीं आया नहीं है। सर ऑनलाइन का मतलब क्या है? ऑनलाइन का सर जो जैसे कि हम पहले LCV से गाड़ी मंगाते दिल्ली से, अभी खुद ही कनेक्शन हो गया उनका, जैसे ज्वाइंट किसी चीज़ का कनेक्शन कर जाते हैं ना गैस की तरह, जैसे घरों के कनेक्शन होते हैं वो हमारा कनेक्शन हो गया परमानेंट और फिक्स्ड 24/7 आपको 200 का प्रेशर मिलेगा। कस्टमर की जो गाड़ी, कस्टमर जब अपनी गाड़ी लेके जाता है और उसकी एवरेज देखता है तो आज तक किसी भी कस्टमर ने मेरे को ये नहीं बोला कि मेरी एवरेज नहीं, वो दोबारा से मेरे पास कम से कम बार बार आते हैं, सर आपको अच्छा लगे हमारे को आपका प्रेशर देख के। सर लोगों को क्या कुछ बताना चाहेंगे, लोकेशन की अगर हम बात करें एग्जैक्ट क्या कुछ लोकेशन है, लोगों को क्या कुछ एक मैसेज? सर अपना जब हम करनाल से चलते हैं, करनाल की साइड से गोरुंडा पार करते ही 3-4 किलोमीटर पे शनि मंदिर हमारे अपोजिट साइड में, शनि मंदिर की अपोजिट साइड में हमारा पंप है, मेन रोड हाईवे से दिखता है। और क्या बोलते हैं सर, आप कस्टमर एक बार आए तो उसको ऐसा लगे हाँ भाई हमारे को कुछ लगे, अभी प्रेशर मिला है, कभी भी किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो जैसा कि हमें सर ने बताया 200 का जो प्रेशर है वो यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। और ऑनलाइन गैस स्टेशन क्या है उसके बारे में जैसा कि सर ने बताया कि अब डायरेक्ट जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर आती है पानीपत रिफाइनरी से, यानी कि अब आप लोगों को कभी भी करनाल में आकर कोहन गांव में शनि मंदिर के ऑपोजिट स्थित जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का ये गैस स्टेशन है, यहाँ पर आकर कभी भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि गैस खत्म हो गई है या अभी वो फिल हो रही है या उसको फिल होने में जो है समय लगेगा। 24 घंटे जो है आपको यहाँ पर जो है गैस मिलने वाली है। एक बार फिर से हम लोग मैनेजर से बातचीत करना चाहेंगे। जी सर क्या कुछ बताना? मैम हमारे पास CNG किट का जो वर्कशॉप होता है, CNG किट लगाने वाला, जैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, चलती हुई गाड़ी में छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ गई तो इस एरिया में या तो करनाल है या पानीपत है, बीच में हमारा ही स्टेशन है कि जहाँ हम अपना वर्कशॉप अवेलेबल कर रहे हैं कि वहाँ से कोई CNG किट में कोई प्रॉब्लम आती है या CNG किट लगवानी है किसी ने या कुछ भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है, टायर पंचर वाला हमने रखा हुआ है, गाड़ी वर्कशॉप का हमने रखा हुआ है और कैंटीन की सुविधा हम देते हैं और किसी भी साइड से कोई भी दिक्कत है मेडिकल की सुविधा देते हैं, कोई बंदा कोई आए एमरजेंसी में कोई आ गया मेडिकल की सुविधा देते हैं। और रिस्पेक्ट और कहना, आप एक बार आओगा कोई भी कस्टमर अपने पास आता है तो दोबारा ये कहेगा जी हाँ उसी पंप से गैस लेना है। आप चंडीगढ़ से चलो, चंडीगढ़ से चलते ही फर्स्ट पंप हमारा ही है, आप चंडीगढ़ से चल पड़े जैसे चंडीगढ़ अम्बाला कुरुक्षेत्र से पहले हमारा पंप है, आपको 24 घंटे मतलब 24/7 200 का प्रेशर मिलेगा आपको। इसी में अपनी जनता से अपील करता हूँ, एक बार आप आओ हमारे पंप पे और आपको महसूस होगा कि हाँ भी किसी पंप पे हम आए हैं। जी बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने बताया और बहुत ही ज़रूरी सूचना ज़रूर है कि बहुत जल्द जो है यहाँ पर CNG किट जो है वो भी प्रोवाइड होने वाली है, यानी कि अगर आप लोग भी चाहते थे अपनी गाड़ी में CNG किट को इंस्टॉल करवाना तो आप लोगों को वो यहाँ पर मिलने वाली है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के गैस स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं जो कि कोहंड गांव के शनि मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट है, अर्बन विलेज जो रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल साथ में स्थित है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा
पहला ऑनलाइन गैस स्टेशन यानी कि 24/7 जो है आपको 200 के प्रेशर पर जो है गैस मिलने वाली है, सीएनजी गैस मिलने वाली है अपनी गाड़ियों के लिए, अपने बड़े बड़े ट्रक्स के लिए। हमारी आप लोगों से बार बार एक ही अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूरी जानकारी ये भी कि आप लोग भी अपनी कार्स पर जो है सीएनजी किट्स इंस्टॉल करवा सकते हैं, और क्या कुछ उसके फ़ायदे हैं वो हालांकि सभी को ही पता है। कॉस्ट उसकी कम आती है, एनवायरनमेंट के लिए वो फ्रेंडली है, ग्लोबल वार्मिंग में जो है अपना योगदान कम करने में जो है उसमें अपना योगदान देती है, तो कई ऐसे फ़ायदे ज़रूर हैं। अगर आप लोग अभी तक सोच रहे थे कि सीएनजी कार आप ले लें लेकिन आप लोगों को कोई गैस स्टेशन नहीं मिलता था, तो अब आपके अपने शहर में ऑनलाइन गैस स्टेशन है जहां पर आपको 24/7 जो है 200 के प्रेशर पर जो सीएनजी गैस है वो मिलने वाली है। हमारी आप लोगों से एक बार फिर से अपील यही रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोहंद गांव में शनि मंदिर के ऑपोजिट जो है ये गैस स्टेशन स्थित है। कुछ कस्टमर, जैसे कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, लाइन से यहाँ पर जरूर लगी हुई है, तो हम लोग कुछ कस्टमर से भी आगे बातचीत जरूर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लोग पहले पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदते थे, लेकिन अब लोगों का रुझान धीरे धीरे बदल रहा है और लोग सीएनजी की गाड़ियां खरीद रहे हैं, क्योंकि उसमें बचत भी होती है और साथ ही साथ प्रदूषण भी कम होता है। लेकिन करनाल के लोग इसलिए सीएनजी गाड़ी नहीं खरीदते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि करनाल में कोई सीएनजी पंप नहीं है, लेकिन अब करनाल में खुल चुका है करनाल ग्रीन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक। ये एक सीएनजी पंप है जो कोण में पड़ता है, अर्बन विलेज के बिल्कुल साथ, शनि मंदिर के बिल्कुल सामने। अगर आप आते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ तो ये आपको राइट में मिलेगा, और वहीं आप अगर चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ये आपको लेफ्ट में मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो उपकरण हैं यानी कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी उपलब्ध है, ताकि अगर यहाँ पर कोई भी गतिविधि ऐसी होती है जिसमें परेशानी होती है तो यहाँ पर जो सेफ्टी जो यंत्र है वो यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें आने वाले दिनों में यहाँ पर सीएनजी जो किट है वो भी लगनी शुरू हो जाएगी गाड़ियों के अंदर। लगातार गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर सीएनजी भरवा रही हैं। हम अक्सर देखते थे कि लोग दिल्ली से चलते थे गाड़ी के अंदर सीएनजी डलवाकर और चंडीगढ़ तो पहुंच जाते थे, लेकिन आते वक्त उन्हें परेशानी होती थी क्योंकि रास्ते में उन्हें कोई भी सीएनजी पंप नहीं मिलता था। लेकिन अब करनाल के कोण में करनाल ग्रीन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक जो सीएनजी पंप है वो खुल चुका है। ये शनि मंदिर के बिल्कुल सामने पड़ता है और अर्बन विलेज के बिल्कुल साथ पड़ता है। अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये जो है लेफ्ट साइड में पड़ेगा वहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं वो सीएनजी डलवा रही हैं, पूरे गैस के प्रेशर के साथ यहाँ पर सीएनजी डलती है और लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है क्योंकि लोगों के पास सीएनजी गाड़ियाँ हैं, उन्हें अब परेशानी नहीं होती, उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ता। वो करनाल ग्रीन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक के इस सीएनजी पंप पर आते हैं और यहाँ पर आसानी से सीएनजी जो गैस है वो डलवाते हैं। अगर यहाँ बात करें लोग जो रुकते हैं चंडीगढ़ से दिल्ली के सफ़र पर या दिल्ली से चंडीगढ़ के सफ़र पर रिफ्रेशमेंट के लिए, उनके लिए यहाँ पर कैंटीन भी है, वो अगर रुकते हैं तो यहाँ पर वो कुछ खा पी भी सकते हैं, साथ ही साथ वॉशरूम की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर बात करें किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, पंचर हो गई है, तो वो भी ठीक करने की यहाँ पर सुविधा है, साथ ही साथ जो पॉल्यूशन होता है गाड़ी का वो बनवाने की भी यहाँ पर सुविधा है। कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका अनुभव यहाँ पर कैसा है, क्योंकि ये जो सीएनजी पंप है ये करनाल ग्रीन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक के नाम से है और कोंड में ये पड़ता है, अर्बन विलेज के बिल्कुल साथ, शनि मंदिर के बिल्कुल सामने। उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का अनुभव है आपका यहाँ पर, आप गाड़ी के अंदर रोजाना सीएनजी जब डलवाते हैं। जी बहुत अच्छा अनुभव है जी, काफ़ी अच्छा प्रेशर मिलता है और अच्छे कस्टमर के अच्छे तरह से बातें करते हैं और अच्छी मात्रा में गैस देते हैं, फुल जितना रुपीज़ डालते हैं अच्छी मात्रा में गैस देते हैं। आपका किस तरह का अनुभव है, आप गाड़ी में सीएनजी यहाँ डलवाते होंगे, आपका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा है, मेरा अनुभव यहाँ पर बहुत अच्छा है और यहाँ पर प्रेशर 200 से ऊपर मिलता है हमेशा, और ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं हम लोगों को लॉकडाउन में,
तो इसलिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के अंदर भी जो यहाँ पर सर्विस मिल रही है वो काफी अच्छी मिल रही है, ग्राहक खुद बता रहे हैं। और अगर आप भी सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शहर करनाल के कोंड में जो है सीएनजी पंप खुल चुका है। करनाल ग्रीन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक के नाम से यहाँ पर थोड़े दिनों के अंदर जो है वो सीएनजी किट लगनी भी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट होता है आने वाले दिनों में वो भी लग जाएगा, ताकि लोग आसानी से, जिनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर आगे वो आने वाले समय में खरीदते हैं तो उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं करनाल ग्रीन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक सीएनजी पंप पर, जो कोण में पड़ता है शनि मंदिर के बिल्कुल सामने और अर्बन विलेज के बिल्कुल साथ। अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो ये पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो ये पड़ेगा राइट साइड में। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।